विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश को मिला नया संसद भवन, विधि विधान के साथ पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम बोले, आज का दिन देश के लिए शुभ अवसर। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए 21 विपक्षी दल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद का उद्घाटन कराने की कर रहे थे मांग। जंतर मंतर से उखाड़े गए पहलवानों के टेंट, नई संसद की ओर जाना चाहते थे पहलवान, पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया। पहलवानों के समर्थन में जा रहे किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, किसान नेता राकेश टिकैत की पुलिस के साथ नोकझोंक, किसानों को हिरासत में लिया गया। मोदी सरकार के नमामि गंगे योजना पर उठे सवाल, 2 साल में 10 गुना गंदी हुई गंगा, अभी तक सीधे गंगा नदी में गिर रहा गंदा पानी। मोदी सरकार में काम की धीमी गति पड़ रही है भारी, समय पर पूरा नहीं हो पाएंगे आधे से अधिक इंफ्रा प्रोजेक्ट, 1566 परियोजनाओं में 1000 से ज्यादा में समय से पूरा नहीं हो पाएगा काम। व्हाट्सएप में जल्द मिलेगा स्क्रीन शेयरिंग फीचर, वीडियो कॉलिंग के दौरान यूजर शेयर कर सकेंगे स्क्रीन। अबुधाबी में आईफा 2023 में ऋतिक रोशन ने जीता बेस्ट एक्टर अवार्ड, फिल्म विक्रम वेधा के लिए मिला है अवार्ड।